हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। सबसे पहले अपने चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और मैं जा रही हूँ अभी बाहर कुछ व्लॉग बनाने के लिए, साथ में कुछ खाने पीने के लिए। तो मैंने सोचा कि ना वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर दूँ, बाहर जो स्टार्ट करनी है, तो सोचा अपने घर से ही आज स्टार्ट कर लेती हूँ, थोड़ा आपके लिए भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरी कैटो वगैरह बैठी हुई हैं, तो इनका जो है कल की अपॉइंटमेंट है, इनको कल इंजेक्शन लगेगा, इनकी वैक्सीनेशन की डेट है। तो कल इनको अच्छे से नहलाएंगे धुलाएंगे, और अभी बेचारी जो है ना नींद में सो रही है। तो ये हमारी प्यारी सी कैटो जो है यहाँ पे सो रही है, बैठी हुई है, ये देख लो, अभी इसको नीनो आई हुई है, अभी आराम से सो रही है। और एक ये है, ये भी यहाँ पे सोया हुआ है बेचारा, आराम से देखो ये अब क्या कर रहा है। पता चल गया कि कल हमारी जो है वैक्सीनेशन की डेट है, इसीलिए ये जो है ना चुपचाप होकर बैठे हुए हैं कि यार तुम कल से हमें फिर इंजेक्शन लगवा दोगी। अब मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही डोज थी इनकी आज की, मतलब एक जो पहले लगी है और एक कल की है शायद। अब ये तो जाकर मैं उनसे पूछूंगी, दो ही डोज हैं, उसके बाद नहीं जाना। बस कल इनको अच्छे से नहलाए धुलाएंगे, अभी तो चलते हैं बाहर। यार मैंने सोचा मैं जो है आई तो हूँ कुछ खाने के लिए बाहर, तो फिर आपको दिखा भी दूँ अंदर घुस के। यहाँ से घुसने का सिर्फ रास्ता एक ही है, तो आप सोचो मैं यहाँ से कैसे आई होंगी। इस टाइम मेरा ऑर्डर तैयार हो रहा है यहाँ पे, ये देखो। तो जी गाइस, यहाँ पर जो मेरा खाना वाना है ये अभी टाइम हो चुका है तैयार, तो अभी खाते हैं, तो चलते हैं बाहर। और ये सब कुछ है यहाँ पर अंदर, खाना शाना जो है हमारा हो चुका है तैयार। तो यार यहाँ पे फैन की जो है वो काफ़ी तेज़ आपको हवा आ रही होगी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उधर, तो आपको पता नहीं अब हमारी आवाज़ अच्छे से आ रही हो या ना आ रही हो। तो अभी खाना शाना खा लेते, सब कुछ तो ट्राई कर लिया, तो सोचा थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो प्लेटर, तो इसीलिए मैंने प्लेटर ऑर्डर किया। तो अभी प्लेटर को हम लोग खा लेते हैं आराम से बैठ कर, सुकून से, मोहब्बत से। तो जो इनका खाना जो है ये देखे यहाँ पर आ चुका है, तो ये सारा भी आराम से खाएंगे। ये बड़ा अजीब सा इस बार मैंने ऑर्डर किया, बर्गर शर्गर कुछ भी इस बार ऑर्डर नहीं किया, ये सारा खाना भी खाते हैं आराम से। तो खाना की जो है पहली बाइट ले लेते हैं इसको, अच्छा सा और मज़ेदार सा बनाकर। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ज़रा लाइट की कमी है, पर कोई बात नहीं। तो ये हमारी पहली बाइट जो है इस टाइम बन चुकी है, और साथ में हमारे लिए आ चुके हैं फ्राइज आते हैं, जो भी हो इनकी शॉप पे आने का ये बड़ा अच्छा है कि प्राइस तो फ्री दे देते हैं वो वैसे भी, क्योंकि तो मैं वैसे भी वो जानते हैं, और कुछ उनको अच्छा लगता है जब मैं उनके ज़रा फिर वीडियो वगैरह बना लेके आती हूँ, तो फिर कुछ ना कुछ पता मिल ही जाता है। खाने का टेस्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अभी अपना सारा खाना निपटा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। हालांकि घर में भी खाना वाना बनाया था, लेकिन सोचा क्यों ना थोड़ा सा बाहर का कर लेते हैं ऐड, इसके अंदर ज़रा अच्छा मज़ेदार सब लोग हो जाता है। वैसे हमारा जो है खाना वाना भी हो गया, जितना खाना दिखा दो इतना ही खाना मैंने खाया, नीचे दिखा दो खाना था। एक ब्रेड में ही मेरा जो है पेट फुल हो गया था यार, तो मैंने सोचा इतना बस अपना बस कर देते हैं, बाद में जो है पैक करा लेंगे घर जाकर खा लेंगे। और जो फ्राइज है ये जो कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी, तो बस ये भी थोड़ी बहुत खा लें और फिर चलते हैं यहाँ से। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये भाई है ना, ये बड़े ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हैं आप, इतना शर्मा क्यों रहे हैं आप, नहीं हो आए हैं हैं? अच्छा पहले भी मैं यहाँ पर आई हूँ काफ़ी बार, तो ये वाले भाई नहीं थे, तो बड़ा शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं, तो शर्म आ रही है मुझे। तो जी ये बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, आपके सारे जो हैं जितना भी सब कुछ हम लोगों ने किया ना टेस्ट, सारा बड़ा अच्छा बड़ा मज़ेदार होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके तशरीफ आपकी का शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप दोबारा भी फिर आएंगे। कभी आऊँगी दोबारा इंशाल्लाह, तब इनके पास जो है ना मैं दोबारा भी इंशाल्लाह आती रहूँगी। वैसे तो इनका सारा अच्छा बड़ा होता है यार, हमारा जो है ना जहाँ पे मैं आती ना उधर की एक एक चीज़ बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार होती है। तो ये मेरे फ़ोन का जो है ना प्रोटेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो सोचा इसका प्रोटेक्टर लगा लेते हैं, इसका पहले लगा दें फिर आईफोन का भी लगा दें, लगा लें फ़ोन के जो दोनों कवर है ना, वो दोनों प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लगवा लेती हूँ यहाँ पर आकर और बस लगा लेती हूँ। उसके पीछे वाले जो लेंस है ना, जो पर लाइट के अंदर अजीब सी लाइटिंग की लाइंस आ रही हैं, वो भी ठीक करवाने हैं, वो भी लगा लूँगी। तो ये अभी जो हमारा प्रोटेक्टर लग रहा है,
कहते फैन की वजह से मैंने नीचे रख के लगाऊंगा। ये सबसे बेस्ट है। अच्छा गाइस, हमारा जो है काम शाम हो गया है यहाँ पे। जो भी मैंने प्रोटेक्टर वगैरह था लगा दिए, तो अभी चलते हैं घर। दूसरे फ़ोन को भी प्रोटेक्टर लगाया है, उसका कवर लगाया है, तो बस अब चलते हैं घर। और लेंस का थोड़ा सा है, वो कोई नहीं, दोबारा जब कभी चक्कर लगेगा ना तो उसका भी काम करवा लेंगे, इनके पास अभी थे नहीं। ओके जी गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ घर। तो आकर ये देखे, मैंने जो है इसके ऊपर एक कवर लगवाया है, तो ये मुझे उन्होंने दिया कम से कम 500 का। पहले तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा इस बार ये जो हेयर स्टाइल का फेन हुआ है और बाकी इसके ऊपर शीट लगवाई है, इसको अब साफ सुथरा कर लेंगे। फोन के जो है पीछे वाले, इनके पास लेंस नहीं थे, तो मैंने सोचा यार अब ठीक है, अब घर चलती हूँ, इसके लेंस जो है दोबारा कभी लगवा लूंगी। और बाकी ये है कि शीट जो है, जो इसकी प्रोटेक्टर शीट है, वो मैंने लगवा ली थी। तो आप सब चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।